नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जब भी आपके पास होते हैं तो हर एक डेबिट कार्ड के पीछे इस तरह की एक स्ट्रिप होती है जिसको कि हम मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कार्ड है जिसमें कि मैग्नेटिक स्ट्रिप है और आगे कोई भी इस तरह का चिप नहीं है, मेटल चिप नहीं है, तो आप ऐसे कार्ड को जल्दी से जल्दी बदल लें, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में ये वाले कार्ड काम नहीं करेंगे और आपको इस वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्ड तो कार्ड होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप हो या फिर चिप हो, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके कार्ड में इस तरह का मेटलिक चिप नहीं है तो आपका कार्ड सिक्योर नहीं है। पुराने जो कार्ड हुआ करते थे जिनमें मैग्नेटिक स्ट्रिप का यूज किया जाता था, वो कार्ड कम सिक्योर होते हैं और उनमें मेन फर्क ये होता है कि उसको स्वाइप करना पड़ता है इस तरह से, और जिसमें अगर चिप होती है आपके कार्ड के अंदर, आपको वो ऐसे पुट करना होता है जब भी आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं या कहीं भी पेमेंट करते हैं। और भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने भी ये बोल दिया है कि अगर आपके पास पुराने टाइप के कार्ड हैं जिनमें कि चिप नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक स्ट्रिप दी हुई है, तो आप उसको 2018 के एंड तक बदल लें। उसके बाद आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और बदलने में भी आपको उसके बाद में दिक्कत रहेगी। वैसे भी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड ATM मशीन में ही पैसा निकाल पाते हैं अच्छे से, क्योंकि बाहर जहां भी आप शॉपिंग करते हैं या कहीं भी पेमेंट करते हैं तो वहां पर जो टर्मिनल है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लगाए गए हैं, वो चिप को रीड करते हैं। हालांकि उसमें भी एक ऑप्शन होता है कि आप उसमें स्वैप भी करा सकते हैं और इंसर्ट करके भी आप जो है पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन चिप वाले कार्ड जो होते हैं वो ज्यादा सिक्योर होते हैं, उसमें कार्ड क्लोनिंग और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और चिप कार्ड के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि दोनों कार्ड्स में क्या क्या फर्क होता है। अभी सिक्योर वाला पार्ट मैंने बताया है, इसके अलावा ये कैसे काम करता है ये सब आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।